तो अब जो है हम लोग जा रहे हैं अपनी जीप पे। ये खोलिएगा। फाइनली डन विद शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। और आप सबका वेलकम है 2000 व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है वो यहीं से शुरू करते हैं। जो है सुबह के 12 बज रहे हैं, सुबह तो नहीं अब दोपहर होने वाली है। और जो है वो हम लोगों की जो शॉपिंग इनकम्प्लीट रह गई थी वो हम लोगों ने कम्प्लीट करनी है, क्योंकि दर्जी मेरे लास्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। और सेकेंडली हमने कहा था रात को रोज़ा खुलने के बाद जाएंगे, बट रात को फिर बारिश हो गई तो फिर सब ने चीखना है। और दर्जी ने कहा कि मैं अब कपड़े नहीं लूँगा, ईद के बाद ही लूँगा। सो हम लोग अब जा रहे हैं अपनी जीप पर। और आज जो है वो मोमी हमारे साथ नहीं जाएगा। हाँ, मैं नहीं जा रहा, मैं मसरूफ़ आज अब मसरूफ़ है। तो हम दरवाज़ा खोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने जाना है जीप पे और फिर हम लोग चलते हैं। तो मॉर्निंग। तो अब जो है हम लोग जा रहे हैं अपनी जीप पे। तो बैठते हैं। कल का हाल भी बुरा है क्योंकि कल पानी पानी हो गई थी। तो लेट्स गो। तो मैं जीप में आ चुकी हूँ और बाकियों का इंतज़ार है, तो मुझे पीछे बैठना पड़ेगा। तो अभी से मैं अपनी इस जगह पर सेटल हो जाऊँ क्योंकि यहाँ पर मम्मा बैठेंगी। और चलें बैठते हैं। और आज जो है सारा कुछ पानी पानी है। देखा, आपको नीचे भी पानी पानी नज़र आ रहा होगा, हर तरफ पानी 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 है। सो नाउ आई एम सेटल ऑन माई प्लेस और बस चलते हैं। और ये देखें, ये सीन्स ऐसे हैं कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने। आ जाओ। फाइनली रीच बाजार। और हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पर आज हम बाजार आए हैं, पार्किंग में लगा दी है। One eternity later. Finally done with shopping. और ये सारी जो है वो हमारी शॉपिंग हो चुकी है। और ये देखें। और एंड फाइनली हम लोग जो है वो घर आ गए हैं और साथ जो है वो हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। और मांगने वाले जो है ना उससे मेरा जीना हराम क्या हुआ। आ रही हूँ मोमी, और साथ ही मोमी पता नहीं कहीं गया हुआ था, तो मोमी भी आ गया है। हाँ जी आ जाए, देती हूँ, आ रही हूँ एक मिनट। सो हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं, तो फिर पता लगेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो लेट्स गो। सो मैं बाहर तो आ चुकी हूँ और हम लोग चलते हैं। और हम लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने, तो चलते हैं ग्रॉसरी करने। क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारे दो घर हैं, तो हमें हफ्ते में दो दफ़ा ग्रॉसरी करने आना पड़ता है। तो हम लोग चलते हैं और ग्रॉसरी करते हैं, और मुझे मम्मी बुलाने भी। हेलो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और यहाँ पर जो है वो हमारी ग्रॉसरी हो रही है। फाइन, आज रश बहुत ज़्यादा है। One eternity later. और फाइनली हम लोग गाड़ी में आए हुए हैं और गाड़ी का गाड़ी में पापा का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब तक आते हैं। और यहाँ के सीन्स जो है कुछ ऐसे हैं, और आज मौसम भी अच्छा है काफ़ी, लेकिन जो है वो गर्मी भी है। काफ़ी दिन हो गया ना, तो हम सब सो गए हैं बारिश होने के बाद। तो पापा आते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं घर। और तकरीबन आप जो है वो असर का टाइम हो गया। एंड फाइनली आफ्टर 5 से 6 घंटे डन विद शॉपिंग, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं घर जाकर।
और अब जो है वो हम लोग रुके हुए हैं कोई अफ्तारी का सामान लेने के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ अफ्तारी के सामान के लिए समोसे पकौड़े और एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। पापा लेंगे सारा कुछ लेंगे, पता नहीं कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से नहीं मिलती। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कहाँ से मिलेगी कचौरी, महावतपुर में अच्छी कचौरी कहाँ से मिलती है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमने लास्ट टाइम कचौरी जो है ना बहुत अच्छी और मतलब कचौरियाँ खाई दुबई में थी, हमारी फूड फैक्ट्री थी वहाँ पर। अच्छा, तो उधर कचौरियाँ बनती थी और बहुत टेस्टी होती थी। वहाँ से आने के बाद 2010 से लेकर 2023 इट्स नाउ, अब तक हमें कहीं भी अच्छी कचौरी नहीं मिली। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि कीमे वाली कचौरी कहाँ पर अच्छी बनती है तो प्लीज हमें बताएं, आई वॉन्ट टू ट्राई इट। आज लगता है रोजा लगा हुआ है। यस, थोड़ा सा भूख लगी। Oh wow, and that's what you call fatherly love. के मैंने सिर्फ कहा था कि पापा खालू जी का पान भी लेते हैं, he literally bought me one. But मेरा रोजा है, इंशाल्लाह मैं अफ्तार के बाद खाऊंगी and I'll tell you how it is. क्योंकि बहुत hyped है भाई बहावलपुर में, it's hyped. मतलब जेदी के बाद अगर कोई पान कहीं से मिल सकता है तो वो खालू जी का। I will give it a try and then I'll show you. और हमारे लिए जो है वो पापा लाए हैं ये वाली चीजें अफ्तारी के लिए, समोसे और एवरीथिंग। Few moments later. और हम लोग जो थे वो घर आ गए थे और फिर मैंने रोज़ा अफ्तार किया और उसके बाद जो थे ना थक गई थी, तो अब जो है वो मैंने कहा अपना व्लॉग कंटिन्यू करूं और अब जो है वो रात के तकरीबन 10:30 हो रहे हैं और अभी अब मैं जाके फ्रेश होती हूँ रोज़ा खोलने के बाद। सो अभी मैं चलती फिरती हूँ, तकरीबन 12-1 बजे नींद आएगी फिर सो जाएंगे, लेकिन सोना नहीं चाहिए क्योंकि फिर सहरी करना होता है, फिर बंदा डिस्टर्ब होता है। So what do we have today? We have barbecue party. Yeah, this is parathas. Okay. And this is a barbecue chess piece with the barbecue sauce, special spicy sauce. Obviously Coca-Cola. And this is raita chutney, whatever you call it. What's it like? Well, this is the moment जिसका हम मैं आज 3-4 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ और मेरे साथ ये सब भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो लेट्स ओपन इट। मैं जिंदगी में पहली दफ़ा खालू जी का पान खुलते हुए देख, खाते तो बाद में देखेंगे। हाँ सही बात है एक्चुअली। वेल लेट्स जस्ट ओपन इट एंड हियर वी हैव मीठा पान। आज पापा को ना वहाँ पर मैं खड़ी हुई थी खालू जी के पान शॉप के आगे, मैंने कहा पापा मुझे पान खाने का बहुत क्रेज है, किसी दिन दादा तुझे, पापा कहते चॉकलेट पान पता नहीं क्या बनवा के लाया हूँ और आज मैं पहली दफ़ा खाऊंगी। बट उससे पहले सोच रही कि लस्सी ही ऐड कर लूँ, मेरे पे सुपारी पड़ी है, फिर लेट्स जस्ट हैव अ बाइट। अच्छा, और साथ ही आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, 1K सब्सक्राइबर तो कर दो रमज़ान में। और इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।